प्रधानमंत्री अपने स्विट्जरलैंड दौरे के बाद वाशिंगटन पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मौजूद भारतीय मूल के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। वाशिंगटन में मोदी अलिंगटन समाधि स्थल भी गए, उन्होंने अमेरिकी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने वाशिंगटन में कोलंबिया मेमोरियल में भी दौरा किया, उन्होंने शहीद अंतरिक्ष यात्रियों को नमन किया। पीएम मोदी सुनीता विलियम्स के परिवार से भी मुलाकात करने पहुंचे, उसके बाद ब्लेयर हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने सांस्कृतिक संपदा पर हो रहे कार्यक्रम में शिरकत की। ब्लेयर हाउस में पीएम ने भारत की आधुनिकता का उदाहरण दिया, उन्हें कोणार्क के सूर्य मंदिर की चर्चा भी की, कहा कि 2000 साल पहले कोणार्क मंदिर में आज की आधुनिक लड़कियों की मूर्ति बनी है, जो स्कर्ट पहने हाथ में पर्स दबाए हुए, जिसको देखकर लगता है कि उस वक्त भी आधुनिकता थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कासगंज का दौरा करेंगे, 20,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मथुरा के जवाहरबाग कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, जनहित याचिका के तहत की गई है सीबीआई जांच की मांग। अतिक्रमण हटाने में हुई हिंसा में 2 पुलिस अधिकारी समेत 29 लोगों की मौत हुई थी। आज से रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है, सुबह 3:48 से शुरू हुआ है पहला रोजा। जवाहर कांड के बाद मथुरा के डीएम एसएसपी को हटा दिया गया है, मथुरा के नए डीएम निखिल चंद्र शुक्ला हैं, जबकि एसएसपी बबलू कुमार, सरकार ने हिंसा के चलते दोनों पर ही कार्रवाई की है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने यूपी की समाजवादी सरकार पर राम वृक्ष यादव को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि मथुरा हिंसा के पीछे यादव का खेल था। क्योंकि वो यादव था और शासन यादवों का है, एक चीज जो प्रश्न पैदा करती है। एसपी नेता राजेंद्र चौधरी ने जवाहर बाग कांड को लेकर विपक्षियों को घेरा, उन्होंने कहा कि 2017 के चुनाव को लेकर यूपी को जंग का मैदान बनाया जा रहा है, गुजरात बिहार हैदराबाद से लोग आकर यूपी में अमन और चैन का माहौल बिगाड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को जंग का मैदान बनाना चाहते हैं, बाहर के लोग भी आ रहे हैं, कुछ गुजरात के लोग आ रहे हैं, कुछ हैदराबाद के लोग आ रहे हैं, कुछ नागपुर के लोग आ रहे हैं, कुछ बिहार से भी आवाज उठ रही है। उत्तर प्रदेश को ये तमाम लोग षड्यंत्र करना चाहते हैं और यहाँ पर जंग का मैदान बनाए हुए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू संभल का दौरा करेंगे आज, जनता को सरकार के विकास कार्यों की जानकारी देंगे। बदायूं में सांसद धर्मेंद्र यादव ने मेंथा किसानों के लिए जीएलसी लैब और टेंशनल कॉलम परियोजना का लोकार्पण किया। शाहजहांपुर में लापता मजदूर का शव नदी में मिलने से हड़कंप मच गया, वहीं शव को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। मेरठ में अस्पताल के गार्ड की हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें 3 संदिग्ध अस्पताल परिसर की रेकी करते दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एटा में एक महिला ने जमानत में बाहर आकर जेल अधीक्षक पर छेड़छाड़ करने और शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है, महिला ने अपनी शिकायत सीएम, महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग से कर दी है, जिसके बाद डीआईजी और महिला आयोग ने मामले की जांच शुरू कर दी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सुंदर भाटी गैंग के इनामी बदमाश मनोज भाटी को गिरफ्तार कर लिया है, भाटी 1 साल से फरार चल रहा था और सलेपुर गांव के प्रधान की हत्या में शामिल था। शाहजहांपुर में ट्रक और बस की भिड़ंत में 2 ट्रक चालकों की मौत हो गई, जबकि बस के 26 यात्री जख्मी हो गए, जिनमें से 4 घायलों के अस्पताल में हालत गंभीर बनी हुई। गोरखपुर पुलिस ने 6 महीने पहले हुई 2 बच्चों समेत एक महिला की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई। आगरा में 2011 में यमुना नदी पर बने पुल की हालत बेहद जर्जर बनी हुई है, आलम यह है कि पुल में सिर्फ 2 पहिया और छोटे वाहन ही चल पाते हैं, वही पुल की चौकसी बढ़ा दी गई है, पुल कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। प्रतापगढ़ में समाजवादी 108 और 102 एम्बुलेंस की गाड़ी के ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर के कोतवाली परिसर में रमजान को लेकर शांति बैठक हुई, जिसमें एसपी देहात प्रदीप गुप्ता, सीओ कोतवाली प्रभारी समेत क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वाराणसी में कला प्रदर्शनी में अलग क्षेत्रों से आए कलाकारों ने काशी और क्योटा शहर पर प्रदर्शनी पेश की, जिसमें कैनवस पर दोनों शहरों की संस्कृति को एक साथ दर्शाया गया था।